खूंटी जिला से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर 9 प्राथमिक विद्यालय टोराकेल है, जो मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। मैं अमिता और ये है मेरा आदिवासी मुंडा समुदाय। क्लास हम 2 है, एक ऑफिस है और एक छोटा बरामदा है। बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? एक रूम में 1 से 2 को बैठाते हैं और एक रूम में 3, 4, 5 को बैठाते हैं। और इसे क्या होता है? इसे इमली। इमली कौन कौन दिखा रहा है? क्या आपके इस विद्यालय में शौचालय या बाथरूम है? जी नहीं। तो आप लोग बाथरूम के लिए कहाँ जाते हैं? जी बगीचा। मुख्य तो शौचालय ही कहेंगे, क्योंकि बरसात के दिन में बच्चों को और हम सभी को भी बहुत दिक्कत होता है। किसी का पेट खराब होता है तो भींग भींग के जाना होता है। मरम्मती के लिए हम लोग को प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपये मिलता है, लेकिन ज़्यादा रिपेयर करना होता है तो उसे होता नहीं है। और बजट में हम लोग लिखते हैं कि हम लोग को चाहिए रिपेयर के लिए, तो अभी तक राशि नहीं मिला है। तो आप इसकी मरम्मत कैसे करते हैं? क्या 5,000 से हो जाता है? नहीं होता, कभी अधिकारी तो आते हैं बनवाइए, किसी तरह बनवाइए बोलते हैं, इसके अपना लगाना पड़ता है। और क्या आपके विद्यालय में तड़ित चालक लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, उसके लिए भी हम लोग पौने पैसा ही नहीं, कहाँ से लगाएंगे? उसके लिए भी हम लोग को चाहिए जमीन। इस प्लॉट में 69 डिसमिल कुछ है और बाकी स्कूल के नाम पर 8 डिसमिल है, और बाकी रह जाता है खाली जमीन। तो वो अगर हम लोग को मिल जाए, मैंने विद्यालय के नाम पर रह जाए तो बेहतर होगा, बच्चों को खेलने के लिए भी हो जाएगा, कुछ पौधा भी हम लोग लगा सकते हैं। बाकी लोगों को इसकी सूचना दी गई है कि यहाँ शौचालय नहीं है और स्कूल रोड के किनारे है, इसीलिए हम लोग को चार दीवारें भी बहुत ही ज़रूरी है। मैं विकसित विद्यालय चाहते, मेरे यहाँ हर चीज़ का सुविधा हो। विद्यालय खूंटी जिला कार्यालय से मात्र 4 किलोमीटर पर स्थित है और इसमें जितने भी छात्र पढ़ते हैं सभी गांव के छात्र हैं। शिक्षा अधिकार कानून 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करने का प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक मेरे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में इन सारी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। अतः आप सभी दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि इस विद्यालय में सुविधाएं मुहैया करने हेतु संबंधित पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक खूंटी नीलम आइलिन टोप्पो, जिसका मोबाइल नंबर है 94-70-11-60-99 पर आप कॉल करें, जिससे कि इस विद्यालय के शैक्षणिक माहौल में सुधार लाया जा सके। मैं अमिता, खूंटी झारखंड से, इंडिया अनहर्ड के लिए।